through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. तो हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूँ महिंद्रा की XUV 700 AX7 लग्जरी पैक। फुल्ली लोडेड ये गाड़ी रहने वाली है और ये पर्सनली मेरी ड्रीम कार है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं इस गाड़ी को ख़रीद पाऊँगा। और ये फ्रंट में आप देख सकते हैं महिंद्रा का न्यू लोगो विद 360 डिग्री कैमरा आपको इसमें प्रोवाइड होता है विद एडास फंक्शन। और यहाँ पर आपको LED हेडलाइट्स मिलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। और DRL भी देखो कितनी ज़्यादा ब्राइट हैं। और टर्न इंडिकेटर आपको मैट्रिक्स में मिलते हैं। एंड आपको ऑटो बूस्टर हेडलैम्प भी मिलते हैं जो 80 की स्पीड के बाद और ज़्यादा ब्राइट अप कर देते हैं। एंड फॉग लैंप आपको कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ इसमें प्रोवाइड होते हैं जो कि LED है। साइड की प्रोफाइल में देखेंगे तो अलॉय व्हील्स आपको 18 इंचेस के यहाँ पे मिलते हैं जो कि डायमंड कट और मशीन कट आप बोल सकते हैं। ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है LED में और लेन असिस्ट कैमरा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडास का आपको कैमरा मिलता है फ्रंट में। एंड ये डैश कैम की तरह भी काम करेगा, आपकी सारी रिकॉर्डिंग इसमें आपके इंफोटेनमेंट में सेव हो जाती हैं। इस मॉडल में आपको मोटराइज्ड स्मार्ट हैंडल्स मिलते हैं, ये खुद ही चाबी से अंदर बाहर हो जाएंगे। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 60 लीटर्स की कैपेसिटी मिल जाएगी। एंड यहाँ पर सेमी कंडक्टर की इशू के करके आपको यहाँ पर मैट्रिक्स में नहीं दिखेंगे इंडिकेटर अभी, बट आपको जब गाड़ी लेंगे तो मैट्रिक्स में मिलते हैं इसमें टर्न इंडिकेटर्स। डिफोगर, वाइपर एंड रियर वॉशर वो सब तो चलो स्टैंडर्ड हैं। कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है, यहाँ पर देखो एक बार नज़र डालो आप मिडनाइट ब्लैक कलर पे, बट वो AX5 वेरिएंट है। एंड इनकी कंपैरिजन वीडियो जल्द आएगी। एंड अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सारी सीट्स फोल्ड की हुई हैं तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना सामान यहाँ रख सकते हैं। अगर आप तीनों सीट्स को ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ 60 लीटर्स बचेगा। और यहाँ आप सब वूफर देख रहे हैं, इसमें आपको 12 स्पीकर मिलते हैं जो कि बेहतरीन है। इनको ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ 60 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, सिर्फ 60 लीटर्स। एंड शौक होने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें पता है सारी 7 सीटर्स में इतना ही स्पेस मिलता है। बट हाँ, इनोवा क्रिस्टा कहीं ना कहीं बाजी मार लेती है, बट इसमें आपको 50-50 स्प्लिट आप कर सकते हैं सीट्स को। और इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। एंड यहाँ आपको कैमरा मिलता है पीछे। माफ़ करना थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। और चलिए हम आगे चलते हैं, अब इंटीरियर में देखते हैं, रुका नहीं जा रहा अंदर जाने से। और डोर खोलोगे ना भाई, यहीं से आपको स्मेल आ जाएगी प्रीमियमनेस की। यहाँ पर आपको पूरा सॉफ्ट लेदर ट्रीटमेंट मिलेगा विद पियानो ब्लैक फिनिश। एंड राइट साइड में आपको यहाँ पर पावर विंडोज़ के कंट्रोल और ORVMs के कंट्रोल एंड ये मेमोरी फंक्शन और मर्सिडीज स्टाइल में आपको यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करने के सारे बटन्स कंट्रोल्स यहाँ मिल जाएंगे। एंड सीट पे आप लंबर सपोर्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये भाई इसका प्रीमियम ने भरा पड़ा है भाई, इतने फीचर हैं यहाँ पे, मैं पूरी लिस्ट बना सकता हूँ। सोनी के आपको इसमें 12 स्पीकर मिलते हैं, पूरा DJ हाउस मिलेगा इसमें, नाच सकते हैं भाई आप। और अभी आपको मैं इसका ऑडियो टेस्ट भी दिखाऊँगा, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है। और ये देखो यार, मतलब आपको बैठते ही मज़ा आ जाएगा, मेरी तो देखो ड्रीम कार है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको गाड़ी कैसी लगती है। इसमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, वायरलेस चार्जर मिलता है, इसमें आपको 7 एयरबैग मिलते हैं एंड ऑटो होल्ड का ऑप्शन, पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर और 10.25 इंचज़ की आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन विद पूरा डिजिटल आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बनाया महिंद्रा ने। एंड देखो आपको दोबारा एक बार ऑन करके भी दिखाता हूँ कि इसमें आपको कैसी एनिमेशन मिलती है। थोड़ी सी आपको पुरानी XUV 500 की याद आएगी क्योंकि वो गोल गोल सा आता है बीच में। और ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। ऑडियो कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल के यहाँ पे आपको बटन मिल जाएंगे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। और ये आप इसको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों कर सकते हैं, अभी एक हाथ से करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। और ये देखो आप यहीं से अपना इंफोटेनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा यहाँ पर आप सेट भी कर सकते हैं। एंड इंफोटेनमेंट में आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले मिलता है। एंड ऊपर आपको यहाँ सनग्लास होल्डर और काफ़ी प्यारी आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी मिलती है ऊपर छोटी सी। और यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा फोकस वाली आपको रूफ लाइट्स मिल जाती हैं और ये वैनिटी विद लाइट
एंड ये स्पीकर देखो भाई, 12 स्पीकर, सिर के ऊपर भी स्पीकर, हर जगह स्पीकर ही मिलेंगे यहाँ पे। काफ़ी तगड़ा सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा। सबवूफर भी है, मैंने आपको पीछे दिखाया था बूट में, सबवूफर मिलता है सोनी का। और ये देखो आप, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया गया है, यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच और ये सिल्वर फिनिश। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये आपको कूल्ड, हाँ कूल्ड फंक्शन के साथ मिलता है, नहीं सॉरी कूल्ड के साथ नहीं मिलता। और ये है आपका आर्म रेस्ट, यहाँ की रख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा डीप मिलेगा आपको आर्म रेस्ट। और ये रिमूव भी हो सकती है इसकी की वाली ट्रे। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और स्लाइडिंग आर्म रेस्ट आपको प्रोवाइड होता है इसमें। यार पता नहीं कब वो टाइम आएगा कि मैं इस गाड़ी को निकलवाऊंगा। और ये आप क्रूज़ कंट्रोल, अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। और आप यहाँ इसका MID देख सकते हैं, यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे, अगर सेटिंग्स में आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। बट उससे पहले आप ये चीज़ देखो, आपको इसमें मिलता है भाई सेगमेंट में सबसे बड़ा, पीछे तक जाओगे ना बिल्कुल थर्ड रो तक, नियर थर्ड रो के पास आप ये पहुँच जाता है पूरा इसका पैनोरामिक सनरूफ, जो कि हैरियर से भी मतलब मुझे बड़ा लगा। बाकी आपका कमेंट ज़रूर बताना कि आपको किसका ज़्यादा बड़ा लगता है। और इसको हम अभी बंद कर देते हैं क्योंकि बारिश होने वाली है। और आपको मैं अब यहाँ पे इंफोटेनमेंट पे जो मेन फीचर्स हैं वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी क्लियर आपको यहाँ पे विज़न मिलता है कैमरे का, जिसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड ये पता नहीं अलग अलग व्यू में आप अपने हिसाब से सेट कर लेना आपको जैसा अच्छा लगता है। और आप यहाँ देखो तो एंड्रॉयड ऑटो एंड यहाँ पे एप्पल कार प्ले कमिंग सून है, पता नहीं कब आएगा वो। एंड यहाँ से आप पावर एंड टॉर्क देख सकते हैं अपनी गाड़ी का। एंड ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, दोनों जगह आप डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं एक ही टाइम पे। एंड काफ़ी ज़्यादा चिल्ड कर देगा ये AC कि आपको कंबल भी लेना पड़ सकता है। और ये बीच में यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी एंड ड्राइव मोड्स आपको यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिप जैप जूम आपको मिलता है। ये डीजल वेरिएंट है, पेट्रोल में आपको कोई मल्टी मोड्स नहीं मिलते, मल्टी ड्राइविंग मोड्स। सेफ्टी में आपको एडास फीचर और 7 एयरबैग्स ABS प्लस EBD मिल जाते हैं एंड स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक। चलिए अब पीछे चलते हैं और देखते हैं यहाँ हमें कितना स्पेस मिल रहा है XUV के अंदर, क्योंकि मैं सफारी में भी बैठा हूँ और XUV में भी अच्छा खासा आपको स्पेस मिल रहा है। थाई स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इसमें आपको बोस मोड भी मिलता है सीट्स में, इसको पूरा आप खींच के इसको आगे तक कर सकते हैं। एंड ये देखो यार सनरूफ, मज़ा तो इसी चीज़ का है, बेशक हम खोल लेना और बेशक हमारी इंडिया की एनवायरनमेंट चाहे नई बनी हो सनरूफ के लिए, बट हम तो खोलेंगे भाई, हमें तो चाहिए क्यों। और यहाँ से आप देखो थोड़ा डैशबोर्ड का लुक, ये कलर थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है क्योंकि गंदा बहुत जल्दी होएगा ये कलर, बट अच्छा लगता है ये भी। महिंद्रा को वो जो स्कॉर्पियो वाला जो टैन कलर है वो भी देना चाहिए इसके अंदर। और ये आप यहाँ से अपनी सीट बेल्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन की। डीजल में आपको यहाँ पे ये इंजन दिख रहा है अभी, एंड ये प्रोड्यूस करता है 182 BHP विद 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि हद से ज़्यादा पावर है, पंजा दबाओ और ये उड़ जाएगी। तो गाइज ये थी XUV की 7W17 लग्जरी पैक। मैंने ज़्यादा बात सेफ्टी की इसलिए नहीं की क्योंकि ये ऑलरेडी 5-स्टार गाड़ी है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि गाड़ी कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।